हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूल्स ऑन स्पॉटिंग एरर इन इंग्लिश ग्रामर। ये इसका पार्ट टू होगा। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के क्वेश्चन नंबर टेन तक के कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहे LDC का एग्ज़ाम दे रहे हो, CGL का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर MTS का एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये कुछ कॉमन एरर जो हैं एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, वो मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत करें हैं, प्रेजेंट करें हैं इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जो भी आपके फ्रेंड हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अंडरलाइन आप कर लीजिएगा, जो फ्रेंड सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, आपको बताया था मैंने, वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका। देखिए, इसमें कुछ रूल है बेसिक, ABCD, इसके चार सेक्शन होते हैं। SSC के एग्ज़ाम में आपको बोलेगा फाइंड द एरर, कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। उसमें आपको चार भाग देगा, ABCD चार पोर्शन देगा, किसी एक पार्ट में आपको एरर मिलेगा। अगर एरर ना हो तो आपको चूज़ करना है डी, नो एरर। लेकिन बैंकिंग के एग्ज़ाम में थोड़े से जो कॉमन एरर होते हैं वो थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, उनके सेंटेंस काफ़ी लेंथी होते हैं और उसमें पाँच भाग होते हैं, ABCDE। ई होता है नो एरर का, ठीक है, जिसमें कोई एरर नहीं होता वो पार्ट ई होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा बैंकिंग की जो ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है, लेकिन SSC में बहुत ही कॉमन आपका बेसिक नॉलेज जानना चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी है ग्रामर की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कि नथिंग बट द हीट्स ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल वर सीन इन द ग्राउंड। देखिए, इसमें क्या है मैं आपको बताऊं कि इसमें जो ये नथिंग बट है, ये जो नथिंग बट आप देख रहे हैं, नथिंग बट के बाद सिंगुलर और प्लुरल, मतलब एक वचन और बहुवचन नाउन आ सकती है, लेकिन बट कंडीशन क्या है, वर्ब जो आएगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब क्या होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। वर्ब क्या है हमारे पास यहाँ पर, वर। ये देख रहे हैं, वर। वर का सिंगुलर क्या होगा, वाज। तो कौन से पार्ट में हमारे पास एरर है, एरर सी, ये जो पार्ट सी है इसमें हमको एरर है, हम इसको चूज करेंगे एग्जाम में। क्लियर हो गया आपको बच्चों, नथिंग बट के बाद सिंगुलर या प्लुरल नाउन यूज हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो वर्ब होगी, वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर वर है तो वाज होगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया आपको, नोट्स बनाइए, ध्यान से लिखिए, काफी बच्चों की तरह आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे ये कहता है, क्या कहता है पढ़ते हैं चलो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पार्ट ए में है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशंस इन द कॉलेजेस आर राइजिंग, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के हमारे पास दो फेज होते हैं, एक होता है ए नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द लगा है और कभी कभी देता है वो हमको ए नंबर ऑफ का क्वेश्चन एग्जाम में, तो दोनों में फर्क क्या होता है आप देखिए। ए नंबर ऑफ जो होता है उसका मतलब होता है कई सारे, ढेर सारे, बहुत सारे, ठीक है। द नंबर ऑफ यूज करा जाता है न्यूमेरिक, मतलब संख्या में। ये जो होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है, मतलब द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, ठीक है। अब इस कंडीशंस में अगर द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है तो यहां पे जो ये आर लगा है, आर, तो यहां पे क्या आएगा,
इसके स्थान पे आएगा इज, ठीक है, आर की जगह पर इज होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब आ गया ए नंबर ऑफ, ठीक है, ए नंबर ऑफ। यहां पे देखिए आप, ए नंबर ऑफ वाला रूल मैंने आपको बताया था, अगर ए नंबर ऑफ तो क्या होता है, कई सारे, तो ये क्या होगा, प्लुरल। तो वर्ब क्या आएगी यहां पर, बहुवचन वाली। इसकी जगह पर क्या होगा, हमारे पास आर का यूज होगा। तो इसलिए एग्जाम में आपको द नंबर ऑफ करके एग्जाम में क्वेश्चंस दे या ए नंबर ऑफ करके एग्जाम में क्वेश्चन दे, आपको दोनों रूल पता होने चाहिए, ठीक है। क्या ए नंबर ऑफ मतलब कई सारे, प्लुरल तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लुरल मतलब बहुवचनी वर्ब हमारे पास आएगी। द नंबर ऑफ होगा तो मतलब न्यूमेरिक की बात कर रहा है, संख्या की बात कर रहा है कि इतनी संख्या है हमारे पास में, तो वहां पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। द लेटेस्ट मैथडोलॉजी ऑफ ए रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज इन द कंपनीज ऑफ ऑल प्रोफाइल्स आर मोर कंसिडरेट, नो एरर पार्ट डी। अगर एरर नहीं है तो पार्ट डी को हमने चूज करना है, ठीक है। देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस कॉमनली देखने को मिलते हैं एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी बैंकिंग का एग्जाम ही क्यों ना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमको एक चीज देखनी है, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि रियल सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर रियल सब्जेक्ट एग्जैक्ट है क्या। लेटेस्ट मैथडोलॉजी ये जो है हमारा रियल सब्जेक्ट है, ठीक है, ना कि कंपनीज प्रोफाइल या फिर एम्प्लॉयज, रियल सब्जेक्ट ये नहीं है, रियल सब्जेक्ट हमारे पास है लेटेस्ट मैथडोलॉजी की बात वो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऑफ से पहले जो पार्ट दिया है द लेटेस्ट मैथडोलॉजी, ठीक है, ऑफ से पहले जो पार्ट है वो सब्जेक्ट है, ना कि बाद में आया कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए क्या होता है, मैथडोलॉजी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब कैसी आएगी, कॉमन सी बात है, सिंगुलर, तो कौन से पार्ट में एरर होगा, पार्ट सी में एरर होगा, आर के जगह पर क्या आएगा, इज आएगा। ये आपका एग्जाम में 2011 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया, 2006 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम में एसएससी के, ऑनली मैं एसएससी का आपको बता रहा हूँ ईयर किस किस में पूछा गया था। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया वो सब एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। अगला जो भी मैं पार्ट लेके आऊंगा उसके ब्रैकेट में लिखूंगा कि किस किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी 10 क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट करूंगा इस वीडियो में, उसके बाद जो भी पार्ट आपको मिलेंगे कॉमन एरर के उन सब में मैं ब्रैकेट में ईयर लिखूंगा और ये सब क्वेश्चन जो होंगे वो एसएससी में पूछे गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया पार्ट सी में एरर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से देखिए, पॉज करिए, अगर आपको आता है तो आप अपना राइट आंसर किसी रफ पेज पे लिख लीजिए साइड में, और मेरे जो आंसर अभी मैं आपको दूंगा उससे टैली करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही आते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है नॉट वन ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर एबल टू प्रेजेंट ए वायबल सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पे क्या है, कमेटी कभी कभी हमको पूछता है कि राइट स्पेल्ड वर्ड वर्ड कौन सा है, सही वर्ड छाटिए कौन सा होगा, तो कमेटी की स्पेलिंग कई बार पूछ लेता है, तो आप कमेटी को आप याद कर लीजिए, स्पेलिंग इसकी क्या होती है, COMMITTEE। कमेटी में आपको क्या होगा, इसमें 2 बार तो एम आया है, 2 बार टी आया है और 2 बार ही ई आया है, ठीक है, इस तरह से आप याद करिए। चलिए बढ़ते हैं उसमें। देखिए क्या होता है, इसके लिए भी एक बेसिक रूल होता है, नॉट वन नो वन नो बडी, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, कॉमन सी बात है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएससी कितना बेसिक पूछता है, देखो वर्ब वर्ब वर्ब, अगर आपको वर्ब पे कमांड है आपके कि हाँ यार कुछ रूल है, बेसिक गिने चुने रूल हैं एसएससी में आने के लिए, बस वो याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट होने वाले फुलफिल 100% सही। जैसे अभी आप देख रहे हो 5 क्वेश्चन चल रहा है, हर जगह वर्ब की बात कर रहा है।
ठीक है। यहाँ देखो दोबारा आप रूल लिखो, कुछ नॉट वन नो वन या नोबडी कहे, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होते हैं। कभी कभी हमको देता कि नोबडी ऑफ द मेंबर्स, तब क्या करोगे आप? आप बोलोगे जरूर पढ़ा ही नहीं, लेकिन आप लिखिए। आपको मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में कुछ नॉलेज, तो आप नोट कर लीजिए अगर आपको पता नहीं है तो, अगर पता है फिर तो सब सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्ट बी जो है, ये जो आप देख रहे हैं पार्ट बी, पार्ट बी को जो आप देख रहे हैं ध्यान से, इसमें वर की जगह पर वाज होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आपने मेरे चैनल में एक लूसेंट बुक है इंग्लिश ग्रामर की, तो उसका पार्ट वन या पार्ट टू में मैंने डिस्कस करा था आपसे, दा दा जिसमें मैंने आर्टिकल यूज़ करा था ना, शायद वो पार्ट थ्री एलुसेंट का, उसमें मैंने आपको ग्रामर का रूल बताया है ये वाला। मैं आपको जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वो सब पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री जो इंग्लिश लूसेंट मैंने अपलोड करी है उसमें सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आप ग्रामर में काफ़ी वीक हैं, तो उन सब वीडियो को भी आप वॉच करिए, ग्रामर के रूल सीखिए, उसके बाद ये मॉक टेस्ट अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, बहुत जल्दी बनेगा, और एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपके अलग ही एक चार्मिंग होगी, कॉन्फिडेंस होगा आपकी नॉलेज के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, द इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस ऑफ ए चाइल्ड एग्जिस्ट इन एवरी ह्यूमन बींग। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक ही चाइल्ड की बात कर रहा है जो क्या है, इनोसेंस भी है और प्लेफुलनेस भी है, ठीक है। दोनों फीचर्स गॉड ने उस एक बच्चे के अंदर दिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आर्टिकल दा लगा है और अगर यहाँ पे दा नहीं लगा है, तो यहाँ पे क्या है, एक ही बच्चे की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप जरा गौर करो, ये बनेगा सिंगुलर, ठीक है, ये बनेगा सिंगुलर। अगर यहाँ पे दा होता और यहाँ पे भी दा प्लेफुलनेस होता, तो यहाँ पे दो बच्चे हैं अलग अलग। अगर यहाँ पे अगर वो कभी ए इनोसेंस बोले और यहाँ बोले ए प्लेफुलनेस, तो भी क्या है, दो अलग अलग बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये एग्जिस्ट जो है ये क्या है, प्लुरल वर्ब, लेकिन यहाँ पे हमको बनाना है इसको सिंगुलर में लेना है, तो सिंगुलर जो वर्ब बनेगी कैसे बनेगी, अगर मैं इसमें यहाँ पर एस लगा दूँ, ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है पूरा राइट हो जाएगा। तो हमारे पार्ट बी में क्या है, इस पार्ट बी में क्या है, एरर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको बोले, ठीक है ना, कोई दा करके यहाँ लगा दे और एंड से दा दोबारा बोले, तो यहाँ पे ध्यान रखना वो वर्ब कौन से लगानी है। तो ये बहुत ही बेसिक रूल है, देखो बच्चों अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं, ध्यान से रूल को समझते हैं, तो कर जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी एंड द फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने सेम बेस पे कॉपी करा है, यहाँ पर सेम 70 क्वेश्चन नंबर लिया है, तो दोनों के रूल काफ़ी मैच होंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, द प्रेसिडेंट एंड द फ्रेंड, ठीक है, ये जो द प्रेसिडेंट है एंड द फ्रेंड है, दो अलग अलग व्यक्ति की बात कर रहा हैज अराइव्ड, तो यहाँ पे क्या है, प्लुरल वर्ब का यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हैज की जगह पर क्या आएगा, हैज का प्लुरल क्या होता है, हैव, HAV, हैव। तो पार्ट बी में हमारे पास इस समय एरर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 18, उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से हमने रूल को अप्लाई करा और किस तरह से हमने क्वेश्चंस में एरर फाइंड आउट करी कि हाँ इसके इस पार्ट में एरर है, ठीक है। देखिए पाउंड एंड फिश मेक एन एनचेंटिंग सीनरी, ठीक है। यहाँ पाउंड एंड फिश दो अलग अलग यूनिट है, ठीक है, लेकिन दोनों मिलकर क्या होती है, एक बेस्ट सीनरी, मतलब एक अद्भुत सीनरी बना रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों मिलकर केवल एक ही रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है, एनचांटिंग सीनरी को क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। तो एक काम कर रही हैं, तो एक ही वर्ब यूज होगी, मतलब सिंगुलर वर्ब यूज होगी यहाँ पर, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको मेक दे रखा है इसने, तो मेक क्या होगा यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मेक्स हो जाएगा, यहाँ पे ई के बाद एस आएगा, मतलब कि पार्ट बी में हमारे पास एरर था। अगर हमको पूरा सेंटेंस ठीक करना है तो हम क्या बोलेंगे, पॉन्ड एंड फिश मेक्स एन एनचांटिंग सीनरी। क्लियर हुआ बच्चों आपको? दो अलग अलग थे, पॉन्ड अलग चीज है, फिश अलग चीज है, लेकिन दोनों मिल करके एक क्रिएट कर रही है बड़ी खूबसूरत सीनरी। तो हम लोगों का मेन फोकस क्या है, सीनरी पर जो उन्होंने बनाया है। और सीनरी क्या होती है, हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें भी एरर फाइंड आउट करा कि इसमें एरर क्या था, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़िए आप इसको। द मेंबर ऑफ द पार्टी एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी डज नॉट एग्री टू द प्रपोजल, नो एरर। पार्ट डी में कह रहा है नो एरर, और कोई एरर नहीं है। तो देखिए क्या होता है, एज वेल एज वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, और साथ में क्या होते हैं, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, ये आप लिखिए रूल। ये कुछ सेलेक्टेड वर्ड होते हैं, अगेन बोल रहा हूँ, आप लिखिए नोट्स में अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो। एज वेल एज, अलोंग विद, फिर लगाइए कोमा, टुगेदर विद, फिर कोमा लगाइए, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं उसमें वर्ब जो यूज करी जाती है इनसे पहले आए, इनसे पहले आए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। द मेंबर ऑफ, एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ये द मेंबर्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट है जो क्या है, प्लुरल है, ठीक है। वर्ब जो दी गई है इसमें डज नॉट, ठीक है, ये क्या दी गई है, सिंगुलर दी गई है, बट यहाँ पे हमको क्या यूज करनी है, इसकी जगह पर आएगा डू नॉट, ई एस हट जाएगा, हमको क्या करनी है, इसको प्लुरल बनाना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, डज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डू नॉट। देखिए कितने बेसिक रूल है, सच में बहुत बेसिक रूल है बच्चों। अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी वीक है तो आपको डरने की आवश्यकता तो पहली बार बिल्कुल है ही नहीं, इंग्लिश ग्रामर से कम आप पार्ट वन इंग्लिश ग्रामर रूल का देखिए, पार्ट टू देखिए, पार्ट थ्री देखिए, उसके नोट्स बनाइए ढंग से, उसको याद करिए, उसके बाद वीडियो देखिए, या अपनी तरफ से कोई भी एक मॉक टेस्ट उठाइए, उसको सॉल्व करिए, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आपका बिल्डअप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरह से है, इट इज मी, ये एक्चुअली है यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर कोई एरर नहीं है तो पार्ट डी को चूज करना है आपने, ठीक है। पॉज करिए और थोड़ा इसको आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने का प्रयास करिए, अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व कर देता है तो रियल में उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था 2015 में, उसके बाद पूछा गया था 2009 में एलडीसी के एग्जाम में, और एमटीएस में ये केवल एक बार पूछा गया 2003 में। पॉज करिए और सॉल्व करके बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, और फिर इसको मेरे आंसर से टैली करना, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, जो इस तरह के सेंटेंस हैं जिसमें इज एम आर लगी हो, इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ये एक्शन वर्ब नहीं होती, इनके थ्रू हम एक्शन को नहीं दिखाते कि इन्होंने कुछ करा, ठीक है, इसके हेल्प से हम बात को इंडिकेट करते हैं कि काम क्या हुआ था, ठीक है। जैसे ही इज ए टीचर, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, वह एक टीचर है, बस इसने कोई एक्शन नहीं करा, इसने अपना काम कुछ नहीं करा, इसने के इंडिकेट करा कि हाँ भाई वो टीचर है, आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ, तो बस ये एम आया यहाँ पे, जो इज आया, दोनों क्या कर रहे हैं कि इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों की विशेषता को बता रहे हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते ये लोग, ठीक है। इसमें एक्शन या वर्क कुछ नहीं है, जब एक्शन नहीं होता तो इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा
वो आएगा सब्जेक्टिव केस में। अगर आपको रियल में इतना सब कुछ पता है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सब केस क्या होते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। देखिए वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। पार्ट ए में इट इज़ जो मी है, यहाँ पर मी की जगह पर आई होगा। इट इज़ आई हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। मी वर्ब ना होते हुए सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। मी वर्ब यहाँ पे नहीं आएगी मतलब, ठीक है ना। इसलिए हमने लिखा, क्या लिखा, इट इज़ आई। ये वर्ब यहाँ पे कभी नहीं आ सकती, ऐसे केस में हमेशा क्या आएगी, इट इज़ आई होगा। जो ये जो क्वेश्चन था एक्चुअली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा इसमें ग्रामर में कमांड अच्छी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर में, तभी कोई बच्चे को सॉल्व कर पाएगा। अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपके ग्रामर के रूल काफ़ी स्ट्रांग है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर टोटल 10, ठीक है। अब आप अपने आप को चेक करिए कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया, कितने नंबर आए। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में ये लिख के भेज सकते हो, चाहो तो, वरना कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। मैं जल्द एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके स्पॉटिंग एरर के टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, और उसमें मैं ब्रैकेट में सबके ईयर लिखूंगा, कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था। वो सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए होंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपने रूल सीरियस तरीके से लिखे हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी फ्रेंड है ना उन तक इस वीडियो को शेयर करने का प्लीज़ कष्ट जरूर करें। जो भी आपके फ्रेंड है, पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में बनना चाहते हैं, आगे सिलेक्शन पाना चाहते हैं, एक जॉब चाहते हैं, तो उन तक फ्रेंड्स को ये सब वीडियो प्लीज़ शेयर जरूर करें। और अगर आपके 10 में से केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही राइट हुए हैं, तो आप लूसेंट की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जो ग्रामर के रूल मैंने बताए हैं आपको, वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रूल है, इम्पॉर्टेंट जो रूल है केवल वही बताया है मैंने, बाकी मैंने बुक्स में से रूल्स को स्किप कर रखा है, छोड़ रखा है, ठीक है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस बुक को प्लीज़ ज़रूर देखिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ढंग से समझाने का प्रयास कर रखा है मैंने। अपने नोट्स बनाइएगा, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं केवल वीडियो देख के लिए आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं सीख लूँगा, तो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा आपको हमेशा, ठीक है। तो घबराइए मत, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए उन्नति कंपटीशन क्लासेस की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से आपको ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।